मलाई कोफ्ते। मखमली क्यों? देखिए, एक तो ये मखमल की तरह से स्मूथ होंगे और सिर्फ कोफ्ते ही नहीं, उनकी ग्रेवी भी बिल्कुल वेलवेटी स्मूथ होगी। लेकिन आप कहेंगे, क्या पंकज जी, कोफ्ते जब भी घर में बनाते हैं ना, तो या तो वो कोफ्ते बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं या फिर इतने नरम हो जाते हैं कि पता आपने जैसे उन्हें ग्रेवी में डाला, कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ग्रेवी अब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगे। तो अगर कोई इसका उपाय है तो हमें बताइए, फिर मैं क्या कहूँगी। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। भाई बिल्कुल, तो आज आपकी कोफ्ते की हर प्रॉब्लम होगी सॉफ्ट, मतलब सॉल्व। और ढेर सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं मेरे पास, जिनकी वजह से आपके ये जो मलाई कोफ्ते बनते हैं ना, और आज के खास ये जो मखमली मलाई कोफ्ते मैं आपके लिए बना रही हूँ, आप देखिएगा वो एकदम परफेक्ट बनेंगी। और मैं गारंटी करती हूँ कि इससे बेटर रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेस्ट है जी। सारी समस्याओं का समाधान मेरे कुछ टिप्स और नुस्खों के साथ, और इसी के साथ साथ मखमली मलाई कोफ्ते भी बनेंगे, ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे, ना ही ग्रेवी में घुल मिल जाएंगे, और ग्रेवी भी एकदम टॉप क्लास बनेगी। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें आज मखमली कोफ्तों की कहानी। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी, आज कुछ गुफ्तगू मखमली मलाई कोफ्तों के लिए, कोफ्तों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये सब आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा काजू जो है ना, उसे चॉप करके रख लिया है। ये किस लिए? ये है हमारे कोफ्तों की फिलिंग के लिए। अब चाहे आप लौकी के कोफ्ते बना रहे हों, या फिर कटहल के कोफ्ते बना रहे हों, या फिर मलाई कोफ्ते बना रहे हों, पानी कोफ्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अच्छा, अक्सर क्या होता है ना, हम लोग ये पनीर को पानी में स्टोर करते हैं, है ना, लेकिन इसके लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जितना हो सके पनीर का पानी है ना, उसे निचोड़ के निकाल देंगे। देखिए ऐसे। अच्छा, अब ये पनीर का सारा पानी निचोड़ लेने के बाद ना, अगर आप इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो क्या होगा, ये बहुत इजीली मैश हो जाएगा। पनीर के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा खोया भी ऐड करूँगी। अच्छा, खोया ना मार्केट में दो तरीके का मिलता है। देखिए, एक तो होता है वो दानेदार खोया, और एक होता है चिकना वाला खोया। तो इसके लिए हम चिकना खोया इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, अब इसको भी हम अपने ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो खोया आराम से हाथ से रफ हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ना अगर आप इसको, तो काम थोड़ा सा आपके लिए और आसान हो जाएगा। अच्छा, एक अगर आप आलू भी इसमें ऐड कर देंगे ना, तो भी आलू जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अब आलू भी एकदम गर्मा गर्म मत लीजिएगा, आलू को पहले थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाए, और उसके बाद आलू को भी हम इसमें ग्रेट करके ऐड कर लेंगे। अब देखिए, सब कुछ जब ग्रेट हो जाएगा तो इसका टेक्सचर कैसा हो जाएगा, बताइए बताइए। टेक्सचर हो जाएगा मखमली। अगली चीज़, आलू में हल्का बहुत तो पानी रहेगा ही रहेगा, आपके पनीर में भी रहेगा, है ना, तो क्या किया जाए इस पानी को कम करने के लिए। देखिए, अगर आपने पानी को कम करने के लिए इसमें मैदा ऐड कर दिया, तो क्या होगा, आपके जो मलाई कोफ्ते हैं वो एकदम डो के जैसे बन जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप उनको ग्रेवी में डालेंगे ना, तो पूरा का पूरा ग्रेवी अब्जॉर्ब कर लेंगे और इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि टूट जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए नुस्खा है, नोट कर लीजिए अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है, इसके लिए अगर आप ये 2 स्लाइस वाइट ब्रेड स्लाइस, सैंडविच ब्रेड वाले, अगर इसको मिक्सी में चला करके इसमें मिला देंगे ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ताज़ी ब्रेड लीजिएगा जो कि एकदम नरम होगी, और इसके क्रम्स भी इजीली बन जाएंगे। जानते हैं, मेरे पास एक और सीक्रेट है। ये सीक्रेट क्या है, ये है थोड़ा सा मिल्क पाउडर। जी हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड कर देना,
तो इसकी रिचनेस थोड़ी और बढ़ जाएगी, इसकी क्रीमीनेस थोड़ी और बढ़ जाएगी और थोड़ा सा ये ड्राई भी हो जाएगा। और अब पहले तो डालने जा रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। रुकिए रुकिए रुकिए, एक चीज़ ऐड करना भूल गए, और वो है एक बाइंडिंग एजेंट, एक कॉर्नफ्लावर। तो 2 टेबलस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दूंगी। अब ये कॉर्नफ्लावर क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि हमारे जो कोफ्ताज है ना, जब उन्हें हम तेल में डालें फ्राई करने के लिए तो वो बिल्कुल फटे नहीं, है ना। इसलिए अब बहुत लोगों को ये लगता है कि मलाई कोफ्ते का मतलब इसमें मलाई पड़ती है, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसमें मलाई वलाई कुछ नहीं पड़ती है। आप चाहें तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, ग्रेवी में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं क्रीम की जगह, लेकिन क्या होता है ये कोफ्ताज इतने सॉफ्ट बनते हैं, इनका जो टेक्सचर होता है इतना मलाई के जैसे नरम मुलायम होता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं मलाई कोफ्ता। और जब ये वेलवेटी स्मूथ टेक्सचर आ जाता है ना, तब उसे कहते हैं मखमली मलाई कोफ्ता। और इन मखमली मलाई कोफ्ताज की खासियत ये है कि आज इसमें एक बढ़िया सी स्टफिंग भी जाएगी, तो इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हम नीड कर लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल जैसे वो जो रोटी का डो लगाते हैं ना हम लोग, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। देखिए ऐसे, तो इसे रखते हैं एक तरफ और पहले थोड़ी सी पुदीना को फ्रेंच ऑफ कर लेते हैं। अब ये चॉप्ड पुदीना ले रहे हैं, और इसी के साथ वो जो फाइन चॉप करके हमने काजू और किशमिश रखा था वो भी ले लेंगे, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चिरौंजी भी। इसी के साथ 2 टेबलस्पून खोया। अब ये खोया काम करेगा इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने का, हल्का सा खट्टा सा मीठा सा नमकीन सा जो एहसास आएगा ना, नमकीन के लिए थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं। तो अब तो स्टफिंग भी रेडी हो गई और इसके साथ साथ हमारा डो भी रेडी हो गया। अब इस डो को पहले मैं रोल आउट कर लेती हूँ ताकि इसके इक्वल साइज के हम पोर्शन कट कर सकें। अच्छा एक काम और करते हैं, पहले यहाँ पर तेल गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं, ताकि जब तक हम अपने कोफ्ता फिल करेंगे ना तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं कोफ्ते हिंदुस्तान में कौन लेके आया था? बताइए बताइए, मैं बताऊं, मुगल्स लाए थे, मुगल्स। तो वो कोफ्ते किस चीज़ के खाते थे? वो तो खाते थे कोफ्ते नॉन वेजिटेरियन, लैम के, है ना। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते थे साल के जब वो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते थे, तो क्या करते थे, अपने कोफ्ते के प्यार को बरकरार रखने के लिए उनके खानसामों ने ईजाद किए ये मलाई कोफ्ते। वही मलाई कोफ्ते आज हम भी बना रहे हैं एक नए निराले अंदाज में, मखमली मखमली। क्यों? ये देखिए इसका टेक्सचर बता देगा ना आपको, इसलिए देखिए कितना स्मूथ है इसका टेक्सचर, बिल्कुल वेलवेटी स्मूथ, ये देख रहे हैं, इसीलिए ये हो गए मखमली मलाई कोफ्ते। अब करना क्या है, इनका एक बॉल बनाना है, उसमें 1/2 चम्मच ये स्टफिंग स्टफ करनी है और फिर उसे रोल कर लेना है ऐसे कि इसके ऊपर कहीं पर कोई भी क्रैक्स ना रह जाए। अब इस बॉल को ऐसे थंब से बीच में प्रेस कीजिए, और ये जो कटोरी बन गई इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच ये स्टफिंग। रुकिए चम्मच ले आया जाए, तो 1/2 चम्मच इसमें स्टफिंग डालेंगे और ऊपर से इसको फिर से वैसे ही इनक्लोज कर देंगे जैसे कि हम अक्सर पराठों के लिए करते हैं, इकट्ठा पिंच कर देंगे और रोल कर देंगे। यानी कि कोफ्तों की रेसिपी में आपको पर्शियन, सेंट्रल एशियन, इंडियन, हर कल्चर के फ्लेवर्स मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं काफी अच्छे साइज के कोफ्ते बनाए हैं मैंने, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर फिलिंग गई है। अगर आप कोफ्ते छोटे कर देंगे तो जानते क्या होगा, वो फिलिंग फट सकती है, कोफ्ते फट सकते हैं, फिलिंग थोड़ा फटेगी। अब तेल भी गर्म हो चुका है, मीडियम हॉट हमें तेल चाहिए, ठीक है। तो इनको फ्राई करने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक टिप शेयर करते हैं जो ये कहती है
कि इन कोफ्तों को फ्राई करने के लिए ना डायरेक्टली मैं इन्हें उठा के नहीं डालने जा रही हूँ, मैं इन्हें पहले थोड़े सूखे मैदे में रोल कर लूंगी। जानते ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये जो मैदा है ना, ये इन कोफ्तों के और तेल के बीच में एक लेयर बना देगा। पहली चीज तो ये कि इसकी वजह से ये इवनली ब्राउन होंगे, और दूसरा जो पनीर है वो प्रोटीन है, अगर डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जलेगा, तो वो जलने से प्रिवेंट हो जाएगा। तो यानी कि अच्छी ब्राउनिंग और कोफ्तों के फटने का डर बिल्कुल भी नहीं। इन्हें काम की टिप। अब हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में पहुंचते पहुंचते इस मलाई कोफ्ता के भी थोड़े थोड़े अलग अलग ग्रुप बन गए, और हमने भी वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत सारे बना डाले, जैसे कि सबका फेवरेट लौकी का कोफ्ता हुआ, कड़ैल के कोफ्ते हुए, मिक्स वेज कोफ्ते हुए, गोभी के कोफ्ते हुए। जी हाँ, आपने कभी खाए गोभी के कोफ्ते? नहीं खाए, कोई बात नहीं, किसी दिन आपको वो भी खिलाएंगे। चलिए जी, ये भी हो गए, हाथ धुल लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं कोफ्तों को फ्राई करने का कार्यक्रम। तो अगर आप इस बात से घबरा रहे हैं कि कहीं हमारे कोफ्ते फट तो नहीं जाएंगे तेल में डालने से, बिल्कुल नहीं फटेंगे। आपको गारंटी दी थी ना मैंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कोई कोफ्तों को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे उठाइए, डालिए, फ्राई कीजिए, और जब एक बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ले लेंगे ना, तब इन्हें निकाल लेंगे। तो वो जो आपकी एक प्रॉब्लम आती है ना, कि जैसे आपने ग्रेवी में अपने कोफ्ताज डाले, वो कोफ्ताज टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो बस उसका जो कारण है वो यहीं छुपा हुआ है। अगर आपके कोफ्ताज अच्छे से कुक नहीं होंगे, ब्राउन नहीं होंगे ना, तो क्या होगा, ये जो आउटर स्किन है वो अच्छे से पकी हुई नहीं होगी, जिसकी वजह से सॉफ्ट पड़ जाएंगे और ग्रेवी में बिखर जाएंगे। इसलिए इन्हें अच्छे से ब्राउन कर लेना बहुत जरूरी है। अब अपने सेकेंड बैच ऑफ कोफ्ताज को फ्राई करते हैं, लेकिन पहले इंश्योर कर लेंगे कि हमारा तेल फिर से गर्म हो जाए, नहीं तो जानते हैं ना क्या होगा, ठंडे तेल में अगर आपने कोफ्ताज डाल दिए तो वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे, और ज्यादा तेल भी तो पियेंगे ना, इसीलिए गरम तेल में, भागो नहीं, एक जगह रहो। तो जब तक ये बैच फ्राई होता है, तब तक ग्रेवी की तैयारी कर ली जाए। और ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये सब चीजें चाहिए होंगी। अब एक पैन चढ़ाते हैं और पैन में लेते हैं 3-4 चम्मच तेल टू मेक अ ग्रेवी। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं करने जा रही हूँ। अब इस गरम घी में मैं ऐड करूंगी 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 4-5 हरी इलायची। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा भी, और जब ये सारे स्पाइसेस लटक आ जाएंगे ना, तब ऐड कर देंगे हम इसमें ये स्लाइस किए हुए अनियन। अनियंस को ट्रांसलूसेंट पिंक होने तक हम फ्राई कर लेंगे, तब तक 4 टमाटर जो हैं इनको भी मैं रफली चॉप कर ले रही हूँ। प्याज में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, ताकि ये थोड़ा जल्दी गल भी जाएंगे और इसी के साथ साथ पक भी जाएंगे। एक ही बात हो गई ना, तो चलिए। अच्छा, अब ये जो मलाई कोफ्ता की जो ग्रेवी होती है ना, ये काफी माइल्डली स्पाइस्ड होती है, बहुत ज्यादा गरम मसाले नहीं होते हैं, ना ही इसका वो भुना मसाला वाला हम पेस्ट बना के उसको अच्छे से भून के बनाते हैं। फॉर द सिंपल रीजन कि जो कोफ्ते हैं वो बहुत सटल फ्लेवर्स के हैं, और अगर आपने इसके साथ बहुत हैवीली स्पाइस्ड कोई ग्रेवी बना दी तो क्या होगा, वो उसका जो सटलिटी है ना उसको ख़त्म कर देगी। अब ये देखिए, प्याज भी हल्का हल्का गुलाबी हो गया है ना। अब ऐड करते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो मैं ऐड करी उसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 5-6 कली लहसुन की, थोड़ा सा काजू, कुछ पोस्ता दाना, और पहले इनको भी हल्के से सौते कर लेती हूँ। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर भी फ्रेग्रेंट हो जाएगा ना,
तब हम ऐड कर देंगे इसमें ये चॉप किए हुए टमेटोज। टमेटोज के साथ ही साथ में मैं ऐड कर दूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला भी। तीन से चार मिनट के लिए इसे सौते करने के बाद ना आधा कप पानी ऐड करके मैं इसे पका लूंगी जब तक ये टमेटो जो हैं वो एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमेटो जब सॉफ्ट हो जाएंगे गैस को हम कर देंगे बंद, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अभी एक इंग्रेडिएंट मैं इसमें और डालने जा रही हूँ और वो है खोया। खोया कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। तो दो टेबलस्पून इसमें खोया और ऐड करूँगी, इसे कम्प्लीटली कूल डाउन कर लूँगी, इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी की स्टिक हटा दूंगी और फिर इसे मिक्सी में पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। अब आपके को प्रॉब्लम आती है ना कि जो ग्रेवी है या तो बहुत थिक हो जाती है या पानी छोड़ देती है, तो उसको इसी स्टेज पे हम टेक केयर कर लेते हैं। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी अगली टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस ग्रेवी में अगर आप आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला देंगे ना तो वो पूरी ग्रेवी को बाइंड कर लेगा। ये भी हो गया, अब इसे छन्नी से छान लिया जाए। बस अब इसमें डलेगी एक चुटकी चीनी। उस एक चुटकी चीनी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हम नमकीन चीज के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है ये एक चुटकी चीनी। एक्चुअली ये एक चुटकी चीनी जो है ना, मैं मतलब एक चुटकी चीनी, तो ये एक चुटकी चीनी जो है ना ये क्या करती है, इन सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करती है। अब चीनी भी बढ़ गई, सेम पैन को मैंने वॉश कर लिया है और इसमें इस ग्रेवी को रिटर्न करूंगी, इसे थोड़ा सा गर्म करूंगी और इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ी सी क्रीम या घर की मलाई, ताकि इसका जो टेक्सचर है और थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। अब थैंक्स टू द कॉर्नफ्लावर हमारी ग्रेवी नहीं फटेगी, थैंक्स टू द ब्रेड क्रम्स हमारे कोफ्ते नहीं फटेंगे एंड एज अ रिजल्ट क्रीमी टेक्सचर, मखमली स्मूथ सा एक टेक्सचर जिसे कहते हैं वो भी आ जाएगा, स्वाद भी बना रहेगा और हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है आज हमने वो भी टेक केयर कर ली ना। चलिए कोफ्ता आपको तोड़ करके दिखाते हैं कि इसका टेक्सचर अंदर से कितना सॉफ्ट है। गैस को धीमी कर दें पहले, ये देखिए अब ग्रेवी भी बॉइलिंग पे आ चुकी है, कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं। अब क्या किया जाए, खाना क्या है भाई, इसे प्लेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा क्रीम से गार्निश करते हैं, कुछ धनिया कुछ पुदीना से सजाते हैं और इनका मजा उठाते हैं। अब बताइए कोफ्ते को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आज सारी सॉल्व हो गई ना। देखिए चाहे वो कोफ्ता हो या करी हो, चाहे उनका शेप हो, चाहे टेक्सचर हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो, आज हमने हर चीज का ध्यान रख लिया है ना।